कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है रिव्यू गुरु और मैं तरुण एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर। दोस्तों आज इस प्रोडक्ट का मैं आपके सामने रिव्यू लेकर आया हूं, उसका नाम है मैक्स पांडा का अनियन हेयर ऑयल। सबसे पहले नजर डाले इसकी पैकिंग पर, पैकिंग इसकी काफी ब्यूटीफुल है, ग्रीन एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है एंड फ्लिपटॉप इसका ढक्कन है, कोई लीकेज होने का खतरा नहीं रहता। फ्रेंड्स इसके अगर मैं बात करूँ बेनिफिट्स की तो सबसे पहले इसकी टैगलाइन में पढ़ लेता हूँ, बूस्ट हेयर ग्रोथ, ट्रीट हेयर लॉस, थिकनेस हेयर, डैंड्रफ कंट्रोल, ग्लॉसी हेल्दी हेयर, ये सब इसके सामने दी गई टैगलाइंस हैं। अब मैं इसके रिजल्ट्स की बात करता हूँ, सीधा सीधा रिजल्ट्स पर आते हैं। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैंने इसको इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, इसके कुछ ड्रॉप लेकर पाम में, उसके बाद अच्छे से अपने हाथों पर लेकर अपने जड़ों को, मेरी जड़ों को मैंने अच्छे से इसको मसाज किया एंड ये मैंने रात को किया था सोने से पहले, और अच्छे से मतलब 5 से 10 मिनट मैंने कम से कम मसाज की होगी इसकी। उसके बाद मैं सो गया एंड सुबह जब वॉश किया इसको तो मैंने ये काम करने के दौरान मैंने ये पाया, जो मेरा डैंड्रफ था ना, जो परतें जमी हुई थी, थोड़ी बहुत परतें यहाँ इस एरिया में या फिर इस एरिया में जमी होती हैं, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि यार सच में ये काम करने वाला है, तो मैंने इसको डेली इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। हफ्ता ही हुआ था कि हफ्ते बाद मैं ये देखता हूँ कि टावल पर एक भी बाल नहीं आ रहा, मतलब उसका यही है कि आपका जो हेयर लॉस है, हेयर फॉल है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हफ्ते के अंदर। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये लगा कि यार अगर इतना इफेक्टिव है तो ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो वो भी इसने काम किया। ये मतलब कंपनी भी इसमें दावा करती है कि 45 डेज अगर आप इसको लगातार लगाते हैं तो आपका जो डैंड्रफ है वो ख़त्म होगा, आपका जो हेयर फॉल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा एंड आपकी जो रीग्रोथ है, हेयर की रीग्रोथ वो बढ़ती जाएगी, मतलब बूस्ट हेयर ग्रोथ, आपके जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी एंड 45 डेज का कोर्स है ये। आप रात को लगा सकते हैं, आप इसको सुबह लगा सकते हैं, सुबह तो नहीं मैं इसको सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसकी जो अनियन की गंध है वो आपको नहीं सुटेबल रहेगी, क्योंकि आपको अगर ऑफिस जाते हैं आप तो आपको प्रॉब्लम होगी, लोगों को आपसे प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आपको मतलब लोगों को आपसे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कुछ गंध अनियन की होती है। इसमें अनियन सीड्स मिले हुए हैं जो कि अनियन ऑयल की मतलब वैसे अगर अनियन ऑयल आप लगाते हैं तो उसमें मतलब उसका फ़ायदा तो रहता है, लेकिन अनियन सीड्स का उससे भी ज़्यादा दुगना फ़ायदा होता है। इसमें आर्गन ऑयल मिला हुआ है, आर्गन ऑयल अलग से फ़ायदा करता है आपके हेयर की रीग्रोथ के लिए, और इसमें भृंगराज है, भृंगराज भी काफ़ी हेल्प करता है आपके बालों को मजबूत बनाने में, बालों की एक बोलते हैं हेल्दी बालों को बनाने में काफ़ी अच्छा है। 200 ml इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml है एंड इसका जो दोस्तों प्राइस है वो है 999, यानी कि 1000 रुपये आपको पड़ेगा। अमेजोन पर अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं। 200 ml इसकी क्वांटिटी है। एक बार इसके लिए मैं इंग्रेडिएंट आपको पढ़कर सुना देता हूँ कैसे क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं। रेड अनियन, कैस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल, भृंगराज, आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, विटामिन ई, एक्सट्रैक्ट ऑफ आंवला, रोज ऑयल, ये सब इसके इंग्रेडिएंट हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके बालों को टूटने से बचाने में और साथ ही आपके बालों की रीग्रोथ में। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मुझे लगा। मेरी पर्सनल राय यही है कि आप भी इसका इस्तेमाल करें अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लोग मुझसे मिलते हैं, पर्सनली भी मुझसे मिलते हैं कि भैया कुछ बताओ यार बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो मैं उनको भी यही सजेस्ट करूँगा और अभी भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैक्स पांडा का अनियन हेयर ऑयल एक बार ट्राई करें और उसके बाद खुद रिजल्ट देंगे। मैं मुझे नहीं बताने की ज़रूरत ना, कमेंट में आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको खुद ये अनुभव होगा। बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी लोगों को लगेगा कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अमेजोन से इसको परचेज किया है। ठीक है,
और मैंने एक रिव्यू देखा था, उसी को ध्यान में रखकर मैंने इसको परचेस किया था। इसका रिव्यू देखा था मैंने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो बंदा बहुत ही इसकी तारीफ कर रहा था और इसको उसको मतलब इसको यूज़ करने के बाद मुझे भी लग रहा है कि यार वाकई में बहुत अच्छा अनियन ऑयल है, आयुर्वेदिक ऑयल है। निकाल कर दिखाया था इसको, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। येलो इसका कलर है, येलो बोले तो मतलब क्रीमिश येलो वैसे इसका कलर है। एंड आपके बालों को थिक यानी कि मोटा बनाने में भी आपकी हेल्प करता है, बालों को भारी बनाने में भी आपकी हेल्प करता है। चिपचिपा है, आपकी थोड़ी सी क्वांटिटी में भी आपकी चल जाएगा, लेकिन आपको इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको सुबह शैम्पू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसकी जो गंध है वो नहीं जाएगी और दूसरा आपके बाल जो चिपचिपे हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे दिखेंगे, बंदे दिखेंगे, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्राइस है मैंने बता ही दिया, 1000 रुपये, और मैं बता रहा हूँ कि 1000 रुपये आपको वैसे ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसके रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अंत में दोस्तों खुश रहिए, आप रहिए अपने घर के आसपास, पर रहिए मैं एक नया वीडियो एक नया प्रोडक्ट लेके आपके सामने फिर से रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, साथ में बेल आइकन भी उसको भी प्रेस कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर। तो खुश रहिए, आप रहिए अपने घर के आसपास, पर रहिए मैं एक नया वीडियो एक नया प्रोडक्ट लेके आपके सामने फिर से रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।